For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Bigg Boss के इतिहास में सीजन 13 सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि इतना एंटरटेन शायद किसी और सीजन ने किया होगा. क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा है, एंटरटेनमेंट है और जैसे जैसे फिनाले नज़दीक आ रहा है मन में क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है कि कौन होगा टॉप थ्री में. आइए पब्लिक से पूछते हैं कि कौन होगा टॉप थ्री में. जैसे जैसे बिग बॉस सीजन 13 खत्म होते जा रहा है, फिनाले नज़दीक आ रहा है तो मन में क्यूरियोसिटी है कि कौन टॉप थ्री में होगा. तो आपको लगता है टॉप थ्री में कौन होगा? टॉप थ्री में ऑल द कंटेस्टेंट सारे ही इतने इंटरेस्टिंग हैं बट आई थिंक सिद्धार्थ नंबर वन. And then I think Aarti ko chance milna chahiye because she's been a very good contestant and she's dimag wali and nice and a sweet person and all that needs to like you know jo ek insaan mein hona chahiye sab kuch hai and she usne kabhi kisi se jhagda nahi kiya, kabhi kuch problem create nahi ki, so I think she deserves to be there. Third place mein I'm confused. I want to say Paras. But then Paras, Aasim and Rashmi ek saath, like whoever comes. But don't you think Paras, Rashmi aur Aasim mein sabse zyada jo hai wo Rashmi ne you know jhela hai yahan pe, unki personal life kafi zyada dikhi hai and she been through a lot. Dekhiye baat kya hoti hai life mein, it's not about this is Bigg Boss. हमें किसी की पर्सनल लाइफ से इतना लेना देना है नहीं है. ये एक फैमिली है, वो यहाँ पे कैसे रहते हैं, क्या करते हैं एंड उनका जो एक रूप निकल के आता है कि वो किस तरह के हैं. आई थिंक पारस इज़ 100% एंटरटेनर और रश्मि इज़ ऑलवेज क्राइंग. लाइक किसको इतना टीवी देखते वक्त रोना है? इज़ ऑलवेज लाइक किच 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 एंड फॉर नो रीज़न लाइक यू नो. एंड आसिम इज़ लाइक way too aggressive for me but he's hot so I don't know. Siddharth Shukla honge aapko lagta hai top 3 mein? Ha mere hisab se Siddharth Shukla ka jo angle Rashmi ke sath tha wo Shehnaz ke sath hai and wo jo har ek jan ke sath panga lete rehte hai wo bhi unka angle up karne ki koshish kar rahe hai to har ek jan ka apna apna ek game hai but Siddharth Shukla and Paras dono definitely top 3 mein honge. Jaise jaise Bigg Boss season 13 khatam hote ja raha hai aur finale nazdeek aa raha hai to aapko kya lagta hai top 3 mein kaun hoga? जी जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ मुझे लग रहा है कि टॉप थ्री में सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि देसाई और शहनाज गिल मेरे हिसाब से. तो आपको क्या लगता है ये तीनों क्यों होंगे टॉप थ्री में? बिकॉज सिद्धार्थ शुक्ला इज़ वेरी नेचुरल, मतलब उसमें मतलब कोई आई थिंक जो अंदर से वही वो बाहर है. ही इज़ नॉट आर्टिफिशियल एंड ही डजेंट प्ले एनी गेम्स एंड शहनाज गिल इज़ वेरी एंटरटेनिंग. उसको देख के तो मतलब पूरा बिग बॉस में हमारा मन लगा रहता है कि देखते हैं तो बहुत एंटरटेनिंग लगता है. और रश्मि देसाई आई थिंक थोड़ा डिजर्व करती है ये सब. शी बीन थ्रू अ लॉट. या सो फाइनली बिग बॉस अपने अंजाम तक आने वाला है, आपको क्या लगता है कौन आपके अकॉर्डिंग विनर है? एक्चुअली देखा जाए तो मेरे हिसाब से, मेरे माइंड से तो जो विनर होना चाहिए वो असीम होना चाहिए और सेकंड नंबर पे सिद्धार्थ, उसके बाद फिर शहनाज. ऐसा क्यों लगता है आपको कि आसिम जो है वो गेम उन्हें जीतना चाहिए? एक्चुअली क्या है ना, वो एक उसके अंदर एक अलग ही टैलेंट है. एक्चुअली वो स्टार्टिंग में जब तो आया था तुमने देखा था कि एक महीने तक साइलेंट था वो. जी. किसी ने कुछ किसी को पता नहीं था आसिम है कौन, क्या है क्या नहीं है. एक महीने के बाद की जब एक महीने के बाद की जो उसकी तुम आपने रेस देखी होगी उसके बाद तुम्हें खुद मालूम पड़ गया होगा कि आसिम बोलते ना एक छुपा रुस्तम बंदा होता है. हाँ, तो उस तरीके का और उसके अंदर वो टैलेंट भी है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिद्धार्थ भी बोल टैलेंट है उसका, एक्चुअली खुद वो एक अच्छा एक्टर है, उनकी फिल्म भी मैंने देखी है, अच्छी एक्टिंग करते हैं. बट एक दोनों में तकरार भी रही है लेकिन मेरे हिसाब से जो विन होगा वो असीम होना है. सेकेंड नंबर पर सिद्धार्थ और थर्ड नंबर पर शहनाज. टॉप थ्री में आप किसे देखना चाहेंगे? आसिम, सिद्धार्थ, रश्मि, पारस, इनमें से आप किसे टॉप थ्री में देखना चाहिए? शहनाज, आई थिंक रश्मि, पारस एंड आसिम. आई थिंक दीज थ्री विल गो टू टॉप थ्री. और टॉप थ्री में आप किसे देखेंगे? शहनाज, आसिम एंड सिद्धार्थ. ओके, और आपको क्या लगता है टॉप थ्री में कौन कौन होगा? शहनाज, शुक्ला और आसिम. जैसे जैसे फिनाले बिग बॉस का नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे क्यूरियोसिटी मन में बढ़ती जा रही है कि कौन होगा टॉप थ्री में. तो आपको क्या लगता है टॉप थ्री में कौन होगा? सिद्धार्थ, आसिम एंड शहनाज. सिद्धार्थ, आसिम, माहिरा. सिद्धार्थ, माहिरा और शहनाज. ये इसमें सिद्धार्थ बहुत कॉमन है तो आप लोगों को क्यों लगता है कि सिद्धार्थ जो है वो टॉप थ्री में होंगे ही होंगे? बिकॉज सिद्धार्थ बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, मतलब एक्सपीरियंस टाइप खेल रहे हैं वो. मतलब ऑब्वियसली बिग बॉस में पहले आए नहीं हैं बट काफ़ी एक्सपीरियंस खेल रहे हैं वो. जिस हिसाब से उनका गेम चल रहा है तो मे बी शायद वो टॉप थ्री में ऑब्वियसली होंगे. आपको क्या लगता है सिद्धार्थ क्यों है कॉमन? आप सबको सिद्धार्थ क्यों पसंद है?
सिद्धार्थ अच्छा खेलता है, गेम अच्छा खेलता है, बंदा भी अच्छा है, दिमाग का यूज नहीं कर रहा है ज्यादा, प्लानिंग वानिंग नहीं कर रहा है, जैसा है वो एक्चुअल में वैसा रह के खेल रहा है, कोई माइंड में गेम नहीं, कोई माइंड गेम नहीं खेल रहे, आपको ऐसा लगता है प्योर है एकदम? यस। जैसे जैसे बिग बॉस सीजन 13 खत्म होते जा रहा है, फिनाले नजदीक आते जा रहा है, तो आप क्या लगते हैं टॉप 3 में कौन होगा? शुक्ला जी, रश्मि देसाई और आसिम। आपको क्यों लगता है ये तीनों में ऐसी कौन सी बात है कि बाकी लोगों में नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं जो किसी को दिखाई नहीं देता। शुक्ला जी और रश्मि देसाई की जोड़ी मुझे बहुत पसंद है, वो दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, और आसिम भी बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा कर रहा है। तो लेकिन लोगों को शहनाज और सिद्धार्थ, शहनाज मुझे समझ ही नहीं आती, सॉरी टू से, बट मुझे नहीं समझ आती, कभी भी फ्लिप करती है, कुछ भी करती है, उसके बाद आई डोंट नो व्हाई लोग उसको इतना क्यों पसंद करते हैं। ठीक है, मुझे भी कहीं ना कहीं कभी कभी बहुत अच्छी लगती है वो, नो डाउट, कभी कभी बहुत अच्छा करती है, और जैसे कल का जो दिखाया गया है मधुरिमा वाले मैटर में उंगली करना, ये गलत है, मुझे नहीं, मतलब रश्मि ने कल बहुत अच्छा स्टैंड लिया, लोगों को चुप कराया, और हमारे शुक्ला जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो कॉमेडी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है, झगड़े से हटकर कुछ अलग कर रहे हैं। टॉप 3 में आप किसे देखना चाहते हैं? आसिम, सिद्धार्थ एंड शहनाज। Who will be in top 3? I think I will give it up for Siddharth, Sana, Shehnaz, and other I guess I don't know about Madhurima and Vishal, but other I can say Asim, that Paras, Asim, yeah, Asim, yeah, definitely Asim would be in top 3. जैसे Big Boss खत्म होने वाला है, final जो है वो नजदीक आ रहा है, तो आपको क्या लगता है top 3 में कौन-कौन होगा? Paras, Shehnaz और Siddharth. आपका currently favorite कौन है? Siddharth. क्यों? वो बहुत हैंडसम लगता है हमको, और शुरू से मैं उसका सीरियल में एक भी नहीं मिस किया है, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। जिस तरीके की गेम है उनकी, कि काफ़ी अग्रेसिव भी होते हैं और काफ़ी लोग प्यार भी करते हैं उन्हें घर में, और काफ़ी लोग उनसे नाराज़ भी रहते हैं हमेशा, तो आपको क्या लगता है उनका गेम कैसा है? नहीं, उनका गेम बहुत अच्छा है, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, वो घर में क्या है वो लोगों का नज़रिया के ऊपर है, लेकिन वो कुछ दिखावा नहीं करते, वो बहुत ही रियल है, और बहुत जो भी बोलते हैं इफेक्ट बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं, उनका कुछ भी वो नहीं लगता हमको, बहुत ही अच्छे हैं, और बाकी लोग के घर के नज़रिया के अलावा उनका क्या इफेक्ट है वो तो पता नहीं, बट हम लोग के नज़रिए में बहुत अच्छे। तीन लोगों का नाम लिया, पारस, सिद्धार्थ और शहनाज, आप ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं इन तीनों में कि बाकी घर वालों में नहीं है? इन लोग में जो भी है कि मतलब जो इफेक्ट बोलते हैं परफेक्ट बोलते हैं, और किसी के पीठ पीछे होती है जो बातें वो तरह तरह की वो नहीं करते हैं, और शहनाज तो बिल्कुल भी नहीं करती हैं, और सिद्धार्थ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है टॉप 3 में कौन होगा? आसिम, सिद्धार्थ, शहनाज। तो कहीं ना कहीं अगर टॉपर होते हैं तो सिद्धार्थ शुक्ला नंबर 1 पे आएंगे, नंबर 2 पे आएंगे आसिम रियाज, और नंबर 3 पे आएंगे शहनाज। और पब्लिक का वर्डिक्ट आ गया है, उन्हें लगता है सिद्धार्थ शुक्ला, आसिम रियाज और शहनाज गिल हो सकते हैं टॉप 3 में, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन होगा टॉप 3 में, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मूवीज अड्डा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।